हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशंस. हमने लास्ट टाइम शैलो फाउंडेशंस देखे थे, उसमें भी हमने मतलब बैरिंग कैपेसिटी देखा था, टेरजाकी की थ्योरी देखी थी, IS मेथड देखी थी, उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जाम्पल थे वो हमने परफॉर्म किए थे. ओके तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डीप फाउंडेशन. ओके तो डीप फाउंडेशन किसे बोलते हैं वो मैं आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ. जो मतलब जो फाउंडेशन की डेप्थ जो होती है वो उनकी विड्थ से ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है डेप्थ, उसे हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं. ओके डी इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ये मैथमेटिकल कंडीशन अगर कोई भी फाउंडेशन जो है वो फुलफिल करता है तो उसे हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपका मतलब नया टॉपिक जिसे हम बोलेंगे डीप फाउंडेशन. और डीप फाउंडेशन में आपके सिलेबस में ओनली पाइल फाउंडेशन आपको पढ़ना है. ओके तो देखते हैं. डीप फाउंडेशन आर दोज इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स विड्थ. ओके जैसे मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया कि आपकी जो डेप्थ है वो विड्थ यानी कि बी से काफ़ी ज़्यादा हो तो उसे हम डीप फाउंडेशन प्रीफर करते हैं. विच आर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय ऑर्डिनरी मेथड्स ऑफ ओपन पिट. ओके डीप फाउंडेशन कैसे है कि उसे मतलब एक मतलब ओपन पिट यानी कि एक खड्डा खोद के आप नहीं बना सकते हो, जैसे एक्सक्यूशन करके हमें बनाना होता है वैसे आप नहीं बना सकते हो. ओके उसके लिए स्पेशल मेथड्स होती है. देखो डीप फाउंडेशन कौन सी कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है कि जब आपकी सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी हो वो डिजायर्ड डेप्थ पे आपको सही से नहीं मिल रही हो, या तो ज़्यादा नहीं मिल रही हो, कम सॉइल बैरिंग कैपेसिटी हो, तब आप डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं. ओके फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कैसे बनता है डीप फाउंडेशन. वो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर्टेनिंग टू डीप फाउंडेशन आर पाइल फाउंडेशन इन विच मोर कॉमनली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉफर डैम्स कैशंस और वेल फाउंडेशन. ओके देखो अब ये जो मतलब फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि डीप फाउंडेशन जो है वो कैसे बनते हैं, तो उसमें थ्री टाइप्स है आपके पास, मतलब थ्री वेज है कि आप तीन टाइप के फाउंडेशन जो है वो डीप फाउंडेशन की कैटेगरी में बना सकते हो. फर्स्ट है आपका पाइल फाउंडेशन जो कि अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ओके इसीलिए आपको पाइल फाउंडेशन जो है वो पूरा पढ़ना है. कैशन और कॉफर डैम्स आप अगर उसकी डेफिनेशन या तो उसकी ओनली खाली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लोगे तो भी चलेगा, आपके मतलब सिलेबस में पाइल फाउंडेशन ही है. ओके फिर कॉफर डैम्स और उसके बाद है कैशंस और वेल फाउंडेशन. ये तीन टाइप के जो फाउंडेशन हैं वो आते हैं अंडर कैटेगरी ऑफ डीप फाउंडेशन. तो स्टार्ट करते हैं पाइल फाउंडेशन से कि पाइल फाउंडेशन क्या है. तो सबसे पहले द टर्म पाइल फाउंडेशन डिनोट्स अ कंस्ट्रक्शन फॉर द फाउंडेशन ऑफ अ वॉल और पायर विच इज सपोर्टेड ऑन पाइल्स. अब पाइल क्या है वो देखते हैं कि कोई भी वॉल अगर आपको अगर ब्रिज पता हो तो ब्रिज में अब्यूटमेंट्स और पियर्स आते हैं, जो उसके जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उसे हम पाइल्स बोलते हैं. ओके सिंपल लैंग्वेज में तो पाइल इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर मेड ऑफ स्टील कॉन्क्रीट वुड और कंपोसिट मटेरियल. वो एक स्लेंडर मेंबर है यानी कि वर्टिकल मेंबर है. ओके जो एज अ फाउंडेशन यूज होता है उसे हम पाइल बोलते हैं. पाइल क्या होता है कि उसे सॉइल में ड्रिवन भी की जाती है और कई बार हम क्या करते हैं कि एक मतलब होल जैसा बनाते हैं और उस होल में कॉन्क्रीट फिलअप करके भी पाइल फाउंडेशन बना सकते हैं. तो ये यूज कहाँ पे होती है पाइल फाउंडेशन ये देखते हैं. पाइल फाउंडेशन यूज होती है स्ट्रेटम ऑफ रिक्वायर्ड बेरिंग कैपेसिटी इज एट ग्रेटर डेप्थ. देखो एक ही सेंटेंस में आपका मतलब पूरा आ जाएगा पाइल फाउंडेशन का. जहां पे आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है फाउंडेशन की वहाँ उतनी नहीं होती है और ग्रेटर डेप्थ पे होती है तब आप पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हो. ओके जनरल केस में क्या होता है कि हम जो फाउंडेशन जो डिग करते हैं तो जनरल मीटर्स में वो आ जाता है,
उतनी डेप्थ में हमें अपनी डिजायर्ड सॉइल बैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा स्ट्राटा नहीं मिलता है डिजायर्ड डेप्थ पे, तो उससे ग्रेटर डेप्थ पे भी आपको जाना पड़ सकता है फाउंडेशन के लिए। तो उस जगह पे आप कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि सैलो फाउंडेशंस थे वैसे, तो आपको वहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब उसके एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। प्रोवाइड्स अ कॉमन सॉल्यूशन टू ऑल डिफिकल्ट फाउंडेशन एंड साइट प्रॉब्लम्स। वो मतलब सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है पाइल फाउंडेशन करना। ओके, कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। देखो, पाइल फाउंडेशन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो कोई भी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है और कोई भी टाइप के सॉइल के लिए भी। अगर आपका स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, कौन सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सॉइल कौन सी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाइल फाउंडेशन वॉश सिचुएशन में लगाया जा सकता है इजीली। ओके, ये उसका एक मेन एडवांटेज है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। मतलब पाइल्स के टाइप्स कितने होते हैं, फंक्शन यानी कि वो क्या फंक्शन है, उसका क्या टेक्निकल पार्ट है आपके स्ट्रक्चर में, उसके बेस पे। तो फंक्शन और यूज के बेस पे जो पाइल का क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप्स है, वो कुछ ऐसे हैं। सबसे फर्स्ट है बैरिंग पाइल्स और एंड बैरिंग पाइल्स। ओके, बेरिंग पाइल्स भी बोलते हैं उसे, एंड बेरिंग पाइल्स भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप है आपका फ्रिक्शन पाइल और स्क्रीन पाइल, स्क्रीन फ्रिक्शन पाइल्स। ओके, थर्ड है शीट पाइल, फोर्थ है टेंशन पाइल और अपलिफ्ट पाइल, फिफ्थ एंकर पाइल, सिक्स जो है वो आपकी बैटर पाइल्स, सेवन नंबर पे है फेंडर पाइल एंड एटवें नंबर पे है कॉम्पेक्शन पाइल्स। तो ये सारी जो पाइल्स जो हैं, जो हमने नाम दिए हैं, वो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया है, तो उसका यूजेस क्या है और उसका फंक्शन क्या है, उसके बेस पे किया है। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे, मतलब कौन सी पाइल कहाँ पे यूज होती है और उसका फंक्शन कौन सा होता है। सबसे पहले है बैरिंग पाइल्स। बैरिंग पाइल्स जो है उसे हम एंड बैरिंग पाइल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो बैरिंग पाइल्स जो है ड्रिवन इनटू द ग्राउंड अंटिल हार्ड स्ट्रेटम इज रीच्ड। बैरिंग पाइल को मतलब कहाँ तक ड्रिवन किया जाता है कि जब तक आपका हार्ड स्ट्रेटम जो है अर्थ का वो नहीं आ जाता है, यानी कि आपकी डिजायर्ड बैरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन की जो होती है वो नहीं आता है, तब तक उसे हम ड्रिवन करते हैं। ओके, एक्ट्स एज अ पिलर, पिलर सपोर्टिंग द सुपर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिटिंग द लोड टू द ग्राउंड। वो कैसे एक्ट करता है, मतलब जो बेरिंग पाइल है वो कैसे एक्ट करता है कि उसे ड्रिवन किया जाता है, यानी कि जो पूरा आपका फाउंडेशन है वो पिलर्स पे टिका हुआ होता है। ओके, और पिलर्स क्या करते हैं, ऊपर से जो वर्टिकल लोड आता है वो डायरेक्टली मतलब किस पे ट्रांसफर करते हैं, जो हार्ड स्ट्रेटा पे जो एंड बेरिंग पाइल है वहां पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो बेरिंग पाइल के लिए आपको इतना याद रखना है कि बेरिंग पाइल को कब तक ड्रिवन करना है, जब तक आपके अर्थ का यानी कि सॉयल का हार्ड स्ट्रेटम जो है वो मिल नहीं जाता तब तक। और इसीलिए उसे एंड बेरिंग पाइल बोलते हैं, क्योंकि उसके एंड में क्या होता है, डिजायर्ड बेरिंग कैपेसिटी वाला स्ट्रेटम होता है। ओके, तो ये आपके बेरिंग पाइल्स हो गए। अब बैरिंग पाइल के मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँगा। देखो, ये है आपकी एंड बैरिंग पाइल। ओके, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ऊपर, देखो एक वर्टिकल लोड है जिसे मैंने रेड से डिनोट किया है। तो वो रेड जो लेयर है वो यहाँ पे मतलब फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स ये जो बैरिंग पाइल है अपनी एंड बैरिंग पाइल उसे ट्रांसफर करेगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है बैरिंग स्ट्रेटम और यहाँ पे लिखा है विक स्ट्रेटम, और ये है हमारा सबसे ऊपर ग्राउंड लेवल। तो ये फिगर से एंड बैरिंग पाइल का पूरा फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। एंड बैरिंग पाइल को हमें सॉइल में ड्रिवन करना है कहाँ तक, जब तक आपका बैरिंग स्ट्रेटम यानी कि जिसकी बैरिंग कैपेसिटी हाई हो ऐसा स्ट्रेटा नहीं आ जाता तब तक। ओके, इसमें और कोई जगह पे मतलब कोई फोर्सेस नहीं होते, फोर्सेस ऊपर से आता है और डायरेक्टली नीचे ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी पाइल को हम एंड बैरिंग पाइल कहेंगे क्योंकि उसके एंड में बैरिंग स्ट्राटा होता है।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो सेकंड आपका जो मतलब है वो है फ्रिक्शन पाइल और फ्लोटिंग पाइल्स। तो फ्रिक्शन पाइल्स क्या होता है वो देखते हैं। फ्रिक्शन पाइल जो बेयरिंग पाइल से थोड़ा डिफरेंस है। पाइल्स आर ड्रिवन एट अ साइट वेयर सॉइल इज वीक और सॉफ्ट टू कंसिडरेबल डेप्थ एंड इट इज नॉट इकोनॉमिकल और रादर पॉसिबल टू रिसेट द बॉटम एंड ऑफ द पाइल ऑन द हार्ड स्ट्रेटम। देखो, बेयरिंग पाइल्स हम कब यूज करते हैं? जब हमें पता हो कि मतलब कोई डेप्थ पे हार्ड स्ट्राटा आ रहा है, लेकिन ऐसा हो कि आपकी सॉइल बहुत ही सॉफ्ट सॉइल है और बहुत डेप्थ में अंदर जाने के बावजूद भी आपको नहीं मिलता है कोई हार्ड स्ट्राटा, तो आप क्या करोगे? तो आप फ्रिक्शन पाइल्स यूज करोगे। ओके, तो ये वही यूज होती है कि जहाँ पे आपका हार्ड स्ट्राटा जो बहुत ही डेप्थ पे हो और एंड मतलब एंड बेयरिंग पाइल्स जो है वो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल एंगल से अगर हम बहुत डेप्थ तक जाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिकली हमें वो बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसीलिए उसकी जगह पे एंड बेयरिंग पाइल की जगह पे हम फ्रिक्शन पाइल्स यूज करते हैं। ओके, देखो फ्रिक्शन पाइल्स का वर्क कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपकी एक फ्रिक्शन पाइल है, ये आपके ग्राउंड सरफेस है, ये आपका वीक स्ट्रेटम है। ओके, अब देखो ये फिगर से कंपेयर करो आप यहाँ पे देखो आपका हार्ड स्ट्रेटा यानी कि बेयरिंग स्ट्रेटम मिल गया, लेकिन ये केस में आपको बेयरिंग स्ट्रेटम जो है वो नहीं मिल रहा है यानी कि बहुत डेप्थ पे है। तो पहले के जैसे ही ऊपर से वर्टिकल लोड आएगा वो जाएगा ये फ्रिक्शन पाइल में। अब ये पाइल का फंक्शन क्या है देखते हैं कि ये जो मैंने जो यहाँ पे जो स्लेंडर जो एरोज बनाए हैं वो फ्रिक्शन के लिए है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि आपकी जो मतलब पाइल है ये फ्रिक्शन पाइल वो और सॉइल के पार्टिकल्स है जो वीक स्ट्रेटम के पार्टिकल्स है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर का जो लोड आता है वो यहाँ पे डिलीवर हो जाता है। ओके, थोड़ा बहुत साइड में हो जाता है और थोड़ा जो बचता है वही नीचे जाता है। तो ऐसे जो मतलब काम करती है पाइल उसे हम फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। ओके, बेयरिंग पाइल में क्या था, लोड डायरेक्टली बेयरिंग स्ट्रेटम में जाता था और फ्रिक्शन पाइल में क्या है कि लोड डायरेक्टली वीक स्ट्रेटम में जाता है और जो है पाइल्स के चारों साइड पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो ये है आपकी फ्रिक्शन पाइल और एंड बेयरिंग पाइल, दोनों मैंने साथ में दिखाई क्योंकि आपको पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ कौन सी यूज हो सकती। उसके बाद का आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन फंक्शन। देखो आपका ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, तो ये सारी टाइप्स ही है लेकिन उसका क्लासिफिकेशन मतलब बहुत सारी मेथड्स पे किया गया है, वही हम देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन वाली देखी, तो फंक्शन में 6 और 7 टाइप्स आते हैं तो उस वही टाइप्स हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। जब कोई नया टॉपिक आएगा तो यहाँ पे जो आपका हेडिंग है वो चेंज होगा। ओके, तो थर्ड टाइप है आपकी सीट पाइल्स। तो सीट पाइल्स क्या है, सीट पाइल्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, टू कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल्स इन डॉक्स एंड अदर मरीन वर्क्स। देखो सीट पाइल जो है वो डॉक्स में यानी कि जो आप डॉक और हार्बर आपको पता होगा कि जो मतलब कोस्ट लाइन पे होता है ओशियन का जो कोस्ट होता है वहां पे डॉक्स बना हुआ होता है हार्बर बना हुआ होता है वो जनरली मतलब जो आपका गुड्स है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मतलब जेटीज बनते हैं उसे हम डॉक्स और हार्बर कहते हैं। एंड अदर मरीन वर्क्स यानी कि जो ओशियन में काम होता है वो सारा सीट पाइल की वजह से होता है। ओके, टू प्रोटेक्ट इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, उसका यूज इसके लिए भी हो सकता है कि रिवर बैंक को इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, इरोजन किस से होता है रिवर बैंक का, ऑफकोर्स वाटर से होता है। तो वाटर जो है मैंने यहाँ पे फिगर पे दिखाया है कि आपको एक सीट पैलेस की एक बाउंड्री देखने को मिलेगी। ओके, उससे क्या है कि जो रिवर का जो मतलब वाटर है वो इरोजन नहीं करेगा उसकी सॉइल का रिवर बैंक का, तो उसके लिए भी सीट पैलेस जो है वो यूज होती है। टू रिटेन द साइड्स ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस, फाउंडेशन ट्रेंचेस जो होते हैं उसकी साइड को रिटेन करने के लिए यानी कि वो सॉइल नीचे ना आ जाए उसके लिए भी सीट पाइल्स का यूज कर सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सकर्शन करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट सॉइल निकलती है
यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही लूज होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हम निकालते हैं एक्सप्रेशन से माल, वो ऐसा हो सकता है कि वो फिर से मतलब उसकी जो बाउंड्री है उस पे से वापस आ जाए, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम सीट पाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सीट पाइल्स का जो फिगर है मैंने यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि सीट पाइल्स कैसी होती है। उसके बाद है आपकी एंकर पाइल्स। तो एंकर पाइल्स क्या है? पाइल्स आर यूज टू प्रोवाइड एंकरेज अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल पुल फ्रॉम सीट पाइलिंग वॉल और अदर पुलिंग फोर्स। ओके, ये एंकरेज पाइल क्या है कि एंकरेज पाइल जो है वो एंकरेज प्रोवाइड करती है अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टल पुल के सामने वो एंकर जो है ऐसा फोर्स प्रोड्यूस करती है। ओके, इसे हम एंकर पाइल बोलते हैं। अब एंकर पाइल मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखो, जैसे कि ये है तो ये बैटर पाइल है। ओके, बैटर पाइल हम देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि बैटर पाइल जो होता है वो ऐसे स्लैंट पोजीशन में होता है। तो ये स्लैंट पोजीशन को मतलब एंकरेज देने के लिए, यानी कि उसको अच्छे से पकड़ देने के लिए हम एंकर पाइल यूज़ करते हैं। ओके, इसका काम क्या है कि वो बैटर पाइल को यहाँ से खिसकने ना दे, यहाँ से उसका डिससेटलमेंट ना होने दे। ओके, तो ये है आपकी एंकर पाइल। उसके बाद जो है वो बैटर पाइल। पाइल्स आर ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रेजिस्ट लार्ज हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड फोर्सेस। यानी कि अगर आपका ऊपर से जो लोड आ रहा है वो इंक्लिनेशन वाला लोड आ रहा है, यानी कि वो कोई एंगल पे लोड आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, तो उसे हम बैटर पाइल की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, इसीलिए जो बैटर पाइल है वो मैंने यहाँ पे इंक्लिनेशन पे दिखाया है फिगर में, यहाँ पे जो एंगल बनता है। ओके, आप हॉरिजॉन्टल से देखो तो यहाँ से जो एंगल बनता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि जब हमारा कोई लोड जो है वो इंक्लिनेशन पे आता है, यानी कि कोई एंगल पे आता है, तब हम बैटर पाइल यूज़ करते हैं, और बैटर पाइल को सपोर्ट करने के लिए, एंकरेज देने के लिए हम एंकर पाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फेंडर पाइल्स। तो फेंडर पाइल क्या है वो देखते हैं। पाइल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंक्रीट डेक और अदर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द एब्रेशन और इम्पैक्ट कॉज्ड फ्रॉम द शिप्स और बैरेजेस। ओके, यानी ये ऐसे पाइल है जो कंक्रीट डेक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, और अदर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द एब्रेशन, एब्रेशन से भी मतलब वाटर के एब्रेशन से भी उसे कंक्रीट डेक को बचाती है, और इम्पैक्ट कॉज फ्रॉम द शिप्स और बैरेजेस। यानी कि जो देखो, जैसे कि ये जो पूरा जो आपको इमेज दिख रहा है वो एक सी शोर का है, यानी कि जहाँ पे हम जो हमारी जो शिप्स होती है उसे हम एंकरेज करते हैं, यानी कि वहाँ पे हम लगाते हैं शिप जहाँ पे उसका है। तो ये आपका पूरा कंक्रीट डेक है। ओके, ये कंक्रीट डेक की फाउंडेशन पाइल है, यानी कि वो मेन पाइल है। उसके बाद ये फेंडर पाइल है। तो फेंडर पाइल क्या करता है कि ये जो यहाँ पे आपका मतलब वाटर होता है, आपका जो वाटर होता है वहाँ पे शिप आती है, और यहाँ पे जो है वो मतलब शिप जो है वहाँ पे हम लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये आपका कंक्रीट डेक है वो धीरे धीरे एब्रेशन होना चालू होगा, क्योंकि शिप क्या होता है कि कई बार जो है वो कंक्रीट डेक से टकरा भी सकती है, और मतलब ऐसा रेगुलरली डेली बेसिस पे होता रहता है। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा, एक मतलब कुछ सालों के बाद, कुछ लाइफ के बाद ये जो है वो डिट्रियोड होना चालू हो जाएगा। तो ये डिट्रियोडेड ना हो इसीलिए हम उसके आगे, आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे मैंने फेंडर पाइल लगाई है। ओके, तो फेंडर पाइल यही काम करता है कि जो मतलब कंक्रीट डेक है उसे सपोर्ट करने का, और वाटर फ्रंट से भी जो लोड आता है उसे भी बेयर करने का काम, और शिप्स जो आती है उसके इम्पैक्ट लोड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपकी फेंडर पाइल करती है। उसके बाद है कॉम्पेक्शन पाइल। वैन पाइल्स आर ड्रिवन इन ग्रेन्यूलर सॉइल विथ एम ऑफ इंक्रीजिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल
द पाइल्स आर टर्म्ड एज कॉम्पेक्शन पाइल। अब कॉम्पेक्शन पाइल किसे बोलते हैं कि उसे हम ग्रेन्यूलर सॉइल में डालते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी बैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। देखो, ये पाइल का कोई मतलब स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये किसकी वजह से प्रोवाइड होती है कि अगर आपके सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी लो है तो आप कॉम्पेक्शन पाइल्स जो है वो यूज़ करके वो सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसे इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो ये सारे हमने टाइप्स देख लिए, शीट पाइल, बैटर पाइल, फेंडर पाइल, एंकर पाइल, ओके, एंड फाउंडेशन पाइल। उसके बाद जो है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसे है, टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन मटेरियल्स। मटेरियल के बेस पे उसके कितने टाइप पड़ते हैं। तो मतलब पाइल्स जो है वो टिम्बर से भी बनाई जा सकती है, कंक्रीट से बनाई जा सकती है, या तो फिर कंपोजिट पाइल्स यानी कि दो या उससे ज़्यादा मटेरियल को हम मिक्स करके भी बना सकते हैं, और स्टील पाइल्स। तो ऐसे चार टाइप में हम उसे कैटेगराइज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल्स। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है वो टिम्बर पाइल्स है और यहाँ पे जो है वो स्टील पाइल्स है। ओके, ये दोनों के जो पिक्चर्स है वो आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद है, सबसे पहले टिम्बर पाइल देखते हैं। तो टिम्बर पाइल क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ लोड टेक प्लेस बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड एंड पाइल सरफेस। टिम्बर पाइल्स में क्या होता है कि जो आपका मतलब लोड जो होता है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से पास होता है। ओके, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से पास होता है तो उसे हम टिम्बर पाइल बोलते हैं। क्योंकि देखो, टिम्बर का मतलब कोई ऐसा मतलब रोल नहीं होता है कि जिससे वो लोड ट्रांसफर कर सके, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से लोड ट्रांसफर कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर पाइल सबको दिए हुए कि इकोनॉमिकल वेदर वेयर टिम्बर इज अवेलेबल इजीली अवेलेबल। ये कहाँ पे इकोनॉमिकल होता है कि जहाँ पे ट्रीज जो है वो यानी कि टिम्बर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो, एंड सेकंड कैन बी ड्रिवन रैपिडली एंड एज सच सेव्स टाइम। ये जो मतलब टिम्बर की जो पाइल्स है वो बहुत ही जल्दी मतलब जो है वो ड्रिवन की जा सकती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मतलब टिम्बर पाइल्स होती है कि उसकी लेंथ जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, उसे रिमूव भी इजीली कर सकते हो, और टिम्बर पाइल्स के लिए कोई स्किल्ड सुपरविजन की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। ये सारे जो है उसके एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। लायबल टू डीके और डिट्रीटेड बाय सॉल्ट वाटर और इंसेक्ट्स, यानी कि जो सॉल्टी वाटर होता है। देखो, सॉल्टी वाटर से क्या होता है कि जो वुडन जो वुड है हमारा वो मतलब जो है वो डिट्रॉयट हो जाता है, डिके हो जाता है, और इंसेक्ट्स भी कई बार ऐसे हैं कि उसे जो है खा जाते हैं। जैसे कि आप वाइट एंट, आपको पता होगा, तो जो वाइट एंट होती है वो क्या होती है कि जो लकड़ी को खा जाती है, तो जिसे हम टर्माइट भी बोलते हैं। ओके, तो टिम्बर पे ऐसे बहुत सारे मतलब वाटर और इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड है लो बैरिंग कैपेसिटी। अब मैंने जैसे बताया कि टिम्बर जो है उसकी कोई मतलब बैरिंग कैपेसिटी होती नहीं है, उसकी बैरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो होती है, वो सबसे ज़्यादा हैवी लोड ले सकती नहीं है, और जहाँ पे हार्ड ग्राउंड हो वहाँ पे उसे ड्रिवन किया नहीं जा सकता है। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस है आपके वुडन या तो फिर टिम्बर पाइल्स के। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंक्रीट पाइल्स। तो कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट से जो पाइल बनती है उसके तीन टाइप है। एक है प्रीकास्ट पाइल्स, दूसरी है कास्ट इन सीटू पाइल्स। अब देखो, ये कास्ट इन सीटू यानी कास्ट इन सिचुएशंस होता है। तो ये इन सीटू जो है, इन सीटू उसका जो फुल फॉर्म होता है वो इन सिचुएशन होता है, कि आप जहाँ जिस सिचुएशन में है वहाँ ही उसे बनाना है, वो एक वो होता है। प्रीकास्ट जो होता है यानी कि पहले से बनाया हुआ, प्रीकास्ट यानी पहले से बनाया हुआ, और कास्ट इन सिचुएशन यानी कि आप जो जो साइड पे है जिस पोजीशन में है वहाँ ही आप वो पाइल बनाते हैं। एंड थर्ड है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइल्स। ओके, ये तीनों टाइप जो है वो आपके कॉन्क्रीट पाइल के हैं।
अब उसके एडवांटेजेस देखते हैं प्रीकास्ट पाइल के। तो प्रीकास्ट पाइल में क्या होता है कि वो वेरी इफेक्टिव होती है। ओके, पहले से हमने लोड मतलब कैलकुलेट करके बाहर उसे बनाया होता है कि जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज आपके पास होती है। देखो, ऑन साइट आपके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप पहले से कोई मतलब जो पाइल जो है वो कास्ट करते हो तो आपके पास फैसिलिटी होती है, इसलिए आप इफेक्टिव जो है लोड कैलकुलेशन कर सकते हो और ऐसे पाइल्स बना सकते हो। सिंपल क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूव्स द एंटायर एरिया। ओके, तो ये सारे जो है वो एडवांटेजेस है प्रीकास्ट पाइल्स के। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रीकास्ट पाइल, एक तो लिमिटेड इन लेंथ होती है, वो हम लिमिटेड लेंथ की बना सकते हैं। डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, देखो अगर पाइल का मतलब जो क्लासिफिकेशन यानी कि स्पेसिफिकेशन होगा जो हाई होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर पे उसकी लेंथ वेड्थ होगी, तो उसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मतलब हेक्टिक हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर डेंसली बिल्ट अप एरिया, जहाँ पे पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसली रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है। ओके, उसके बाद कास्टिंग सिचुएशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नॉट लिमिटेड इन एडवांटेजेस है जो कास्टिंग सिचुएशन के, नॉट लिमिटेड इन लेंथ। देखो, कास्टिंग सिचुएशन जो है वो हम जितनी डिजायर्ड लेंथ होती है उसकी बना सकते हैं। कैन बी कास्ट एट एनी प्लेस, वो कहीं भी बनाई जा सकती है। रिक्वायर्स लेस इक्विपमेंट, देखो ऑन साइट पे ये बनाई जाती है, इसलिए इसमें लेस इक्विपमेंट बहुत ही कम इक्विपमेंट लगते हैं। फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज डिफिकल्ट, देखो वो जो है हम वही से जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये हम कास्टिंग सिचुएशन जो है कंक्रीट पैल बनाते हैं, तो उससे क्या हो जाए कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ही लो चला जाता है। लोड कैरिंग इज मोस्टली डन थ्रू एंड बैरिंग ओनली, जो लोड कैरिंग जो है उसे हम एंड बैरिंग से ही बनाया जा सकता है। ओके, यानी कि हमें ओनली एंड बैरिंग पाइल ही बनानी है अगर हमको कास्टिंग सिचुएशन कंक्रीट पाइल बनानी है तो। ओके, आप दूसरे कोई टाइप चूज नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रिक्शन पाइल या दूसरी कोई टाइप की पाइल। अगर आपको कास्टिंग सिचुएशन पाइल बनानी है तो कंपलसरी आपको एंड बैरिंग पाइल ही बनानी पड़ेगी। स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, देखो मैंने जैसे कहा कि आप फ्रिक्शनल पाइल जो है वह वहाँ पे नहीं बना सकते हो कास्टिंग सिचुएशन। ओके, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद है कंपोजिट पाइल्स। तो कंपोजिट पाइल्स जो है वो किसे बोलते हैं वो बताता हूँ। पाइल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर ड्रिवन वन ओवर टू अनदर सो एज टू अनेबल देम टू एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ सिंगल पाइल। दो कंपोजिट मटेरियल को मतलब पहले से मिक्स नहीं करते केमिकली, पहले एक पाइल डालते हैं फिर उसके बाद दूसरे पाइल डालते हैं और वो दोनों को ऐसे मतलब मिक्स कर देते हैं कि जिससे कि जो हमारा फंक्शन हो वो एक सिंगल पाइल की तरह बिहेव करे। ओके, तो ऐसी पाइल्स को हम कंपोजिट पाइल्स बोलते हैं। तो कंपोजिट पाइल्स में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे क्या होता है कि देखो हमें लेंथ अचीव करनी है तो हम कौन सी पाइल डालेंगे, जाहिर सी बात है कि हम टिम्बर पाइल यूज़ करेंगे। तो टिम्बर पाइल के ऊपर हम कंक्रीट पाइल लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी बैरिंग कैपेसिटी है वो भी इजीली मिल जाती है और आपको जो लेंथ है वो भी मिल जाती है, वो दोनों एक ही तरीके से आपको मिल जाती है, तो उसे हम कंपोजिट पाइल्स बोलते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ कंपोजिट पाइल इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट ऑफ अचीविंग इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ पाइलिंग वर्क। पाइलिंग वर्क में इकोनॉमी अचीव करने के लिए कंपोजिट पाइल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपकी स्टील पाइल्स है, तो स्टील पाइल्स जो है वो चार टाइप की होती है। जिसमें से फर्स्ट है एच पाइल्स, सेकंड पाइप पाइल्स, स्क्रू पाइल्स एंड डिस्क पाइल्स। तो ये जो चारों चार है उसे हम स्टील की कैटेगरी में मतलब डिवाइड करते हैं। ओके, तो एच पाइल्स जो है उसमें क्या होता है कि वाइड फ्लेंज का सिलेक्शन होता है कि जहां पे आपको
एच शेप आपको पता है, तो एग्जैक्टली एच शेप की जो पाइल होती है उससे क्या होता है कि मतलब जो वाइड फ्लैंक सिलेक्शन होता है कि आप जो है एरिया जो है वो ज़्यादा कवर कर सकते हो एच पाइल की मदद से। और उसकी जो बैरिंग कैपेसिटी होती है एच पाइल्स की वो भी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद है पाइप पाइल्स या तो ट्यूब पाइल्स भी उसे बोल सकते हैं। तो ट्यूब पाइल्स पे क्या होता है कि ट्यूब्स और पाइप्स ऑफ स्टील आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड, कंक्रीट इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूब पाइप्स। जो ट्यूब हमने बनाई है स्टील की उसमें हम क्या कर देते हैं, कंक्रीट भर देते हैं, तो वो एक आरसीसी स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसकी बैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ देयर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिस पाइल्स आर इजी टू हैंडल एंड इजी टू ड्राइविंग। सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होता है कि उसे हम इजीली जो है वो ड्रिवन कर सकते हैं अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर। उसके बाद स्क्रू और डिस्क पाइल्स है, तो स्क्रू पाइल्स में भी ऐसे होता है कि जैसे स्क्रू की तरह से वो एक्ट करती है और डिस्क पाइल जैसे कि सर्कुलर पाइप है वैसे भी होती है। ओके, तो ये सारी जो है वो स्टील पाइल्स के टाइप्स हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो सारे मतलब जो आपके टाइप्स ऑफ पाइल्स जो है वो फिनिश हो चुके हैं कि इतनी टाइप की पाइल्स आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद का जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट वो है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पाइल्स। पाइल का जो फेलियर होता है वो कौन कौन किसी वजह से होता है वो है। ओके, तो सबसे फर्स्ट है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल। आपकी जो सब सॉइल यानी कि जो फाउंडेशन की सॉइल है उसका सेटलमेंट अनइक्वली होता हो, यानी कि उसके सेटलमेंट का कोई क्राइटेरिया ना हो, तो उस वजह से आपकी फाइल जो है वो फेलियर होती है। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी, जो हमने मैसनरी प्रोवाइड की है पाइल्स को उसका भी सेटलमेंट अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो भी आपकी पाइल जो है वो फेलियर हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द सॉइल एडजॉइनिंग द स्ट्रक्चर, जो सॉइल मतलब पाइल के आजू बाजू है यानी कि पाइल के आसपास है उसका अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू एनी स्पेसिफिक फोर्सेस तो आपका मतलब पाइल्स का फेलियर होगा। श्रिंकेज ड्यू टू विदड्रॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल बिलो द फाउंडेशन। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम पाइल ड्रिवन कर रहे होते हैं तब वहाँ पे मॉइस्चर होता है, लेकिन कुछ सालों के बाद यानी कि 10 या 15 साल के बाद अगर वहाँ पे वो सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहता है तो आपका पाइल फाउंडेशन जो है वो इफेक्ट उस पर एडवर्सली इफेक्ट करता है। एट लेटरल प्रेशर टेंडिंग टू ओवरटर्न द स्ट्रक्चर, दूसरे कोई फोर्सेस अगर हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं और उसे ओवरटर्न करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे पाइल्स जो है वो वर्टिकल मेंबर होते हैं, तो वर्टिकल मेंबर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाता है। ओके, तो लेटरल प्रेशर की वजह से अगर कोई पाइल जो है वो ओवरटर्न हो जाती है तो उससे भी आपका पाइल का फेलियर हो सकता है। एक्शंस ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फेयरिक एक्शन से भी मतलब उसका ओवरटर्न हो सकता है, फेलियर हो सकता है। लेटरल एस्केप ऑफ द सॉइल बिलो द फाउंडेशन, जो बिलो फाउंडेशन यानी कि पाइल फाउंडेशन हमने बनाई है, सपोज हमने एंड बेरिंग बनाई है और उसके नीचे हार्ड स्ट्रेटा है, लेकिन कुछ सिस्मिक फोर्सेस की वजह से टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से अगर वो हार्ड स्ट्रेटा है वो वहाँ से एस्केप हो जाता है तो आपकी पाइल फाउंडेशन जो है वो फेलियर होती है। ओके, तो ये सारे मोड्स ऑफ फेलियर्स हैं यानी कि फेलियर कॉजेज है उसके, उसको आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी वजह से पाइल जो है वो हमारी फेल हो सकती है। स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं और आगे जो है वो हम देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन में और कुछ टॉपिक्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।